फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक हमारा है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। इसका जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर। इन दोनों का हम डेरिवेशन करने वाले हैं और हमारी ये ऑप्टिकल फाइबर आपके सामने है कि इसमें हम डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से हमारी, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन को देख लीजिए क्या है। इट इज़ द मैक्सिमम एंगल टू द फाइबर एक्सिस एट विच लाइट रे मे एंटर द फाइबर एक्सिस इन ऑर्डर टू गेट प्रोपोगेटेड। इसका मतलब ये है कि वो मैक्सिमम एंगल है जिसमें हमारी जो लाइट है वो हमारी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रोपोगेटेड करने के लिए एंटर होती है। हमने जैसे कि पुरानी वीडियोज़ में हमारे में बता रखा है कि जो हमारी जो लाइट इसमें प्रोपोगेटेड होती है वो होती है किसके कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, जो हमारा एंगल थीटा है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। पर यहाँ से हमारी जो लाइट है वो इस तरह से इंसिडेंट होनी चाहिए कि जो हमारी एंगल थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा सी से ग्रेटर हो। तो इसके लिए हमारा क्या है कि जो आई की वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू जो हम आई की रख सकते हैं, इंसिडेंट एंगल को जो मैक्सिमम हम रख सकते हैं जिससे कि हमारी थीटा की वैल्यू थीटा सी से ग्रेटर हो जाए और हमारी लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में ही वापस से सेम वे में रिफ्लेक्टेड हो जाए, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एक्सेप्टेंस एंगल वो एंगल है, इट इज़ द मैक्सिमम एंगल टू द फाइबर एक्सिस एट विच लाइट रे मे एंटर द फाइबर एक्सिस इन ऑर्डर टू गेट प्रोपोगेटेड। मतलब कि हमें आई की वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, एक्सेप्टेंस एंगल होता है। और अगर इस एक्सेप्टेंस एंगल को लेके अगर हम कोई सर्कल बना देते हैं, एक कोन बना देते हैं, उसको अगर सर्कुलेट मूव कराते हैं तो वो बन जाता है हमारा एक्सेप्टेंस कोन। उसके बाद बात करते हैं हम क्या है हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब लाइट गैदरिंग और ए लाइट कलेक्टिंग एबिलिटी ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर। मतलब ये जो है हमारा वो ये बताता है कि जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है वो कितनी लाइट को हमारे को गैदर कर सकती है या कितनी लाइट को हमारा प्रोपोगेटर मैक्सिमम वे में वो यहाँ से कर सकती है। तो इन दोनों के डेरिवेशन हम पहले एक बार इनकी एक वो पढ़ लेते हैं अपन, डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिए। डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करते हैं। अब हम देखते हैं एक्सेप्टेंस एंगल का डेरिवेशन। अभी तक हमने दोनों की डेफिनेशन पढ़ ली थी, न्यूमेरिकल अपर्चर की और एक्सेप्टेंस एंगल की। इस वाले वीडियो में हम दोनों का डेरिवेशन एक साथ ही करते हैं। तो ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर है, तो इसमें देखो गौर से देखिए, हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हमारी लाइट इंसिडेंट की गई है, ये हमारा नीटा नोट एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, एयर की। इसके बाद हमारी क्या है, ग्लास का ये कोर बना हुआ है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, नीटा वन। इसके बाद हमारी क्लैडिंग है और क्लैडिंग की हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, नीटा टू। जब हमारी लाइट इसमें अब एंटर करती है तो हमारा ये क्या है, रेयरर मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम, और ये हमारा वापस से क्या है, रेयरर मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। तो हम इसमें देखते हैं जब हमारी लाइट एंटर कर रही है तो ये वाला पॉइंट देखिए, ए पॉइंट, ए पॉइंट पर हमारा क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, और ये हमारी लाइट ग्लास के थ्रू पास हो रही है तो ये क्या है, हमारी लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्टेड। तो रिफ्रैक्टेड हुई तो ये हमारा एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया मेरा, आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गई। अब इसके बाद ये लाइट कहाँ पे गई, हमारी किस पे, कोर क्लैडिंग के इंटरफेस पर। कोर क्लैडिंग का इंटरफेस कौन सा हो गया, ये वाला हमारा कोर क्लैडिंग का इंटरफेस है जो इसको हमने पॉइंट दे दिया बी। तो यहाँ पे हमारा ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा से कोर क्लैडिंग पर जाती है। तो हमारा एंगल थीटा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, क्रिटिकल एंगल होनी चाहिए, तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जैसे कि हमने पहले हमारे पुराने वीडियोज में बात कर चुके हैं। बट अब हम इसमें जब केस ले रहे हैं तो हम इसको क्या ले लेते हैं, थीटा सी, मतलब थीटा सी मतलब इसको हमने ले लिया क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल पर जब ये होगी तो मेरी जो लाइट है तो कहाँ पर जाके होगी, ये हमारे कोर क्लैडिंग के इंटरफेस से पास होगी। कहाँ से होगी, कोर क्लैडिंग के इंटरफेस से। तो अब इस पर हम बात करते हैं कि कैसे हमने इसको डेरिवेट किया गया है। तो हम सबसे पहले लगाते हैं अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। मेरा पॉइंट ए कहाँ है, ये मेरा पॉइंट ए है, इसके अंदर हम अपना स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो हमारा स्नेल्स लॉ है क्या, साइन इंसिडेंट अपॉन साइन रिफ्रैक्टेड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो देखो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इंसिडेंट अपॉन
साइन रिफ्लेक्टेड आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम कौन सा मेरा नीटा वन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या मेरा नीटा नॉट। अब देखो हम ये भी लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू नीटा वन अपॉन नीटा नॉट साइन आर। अब देखो हम इसमें एक ट्रेंगल बना देते हैं, ये वाला ट्रेंगल हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमारी जो फाइबर की एक्सेज है उसके ऊपर, तो मेरा ये 90 का है, तो इसका मतलब मेरी आर और थीटा सी की वैल्यू दोनों मिला के 90 होगी, क्योंकि ट्रेंगल की सम प्रॉपर्टी क्या होती है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम ये कर सकते हैं आर प्लस थीटा इज इक्वल टू आर प्लस थीटा सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आर की वैल्यू क्या होगी मेरी 90 माइनस थीटा सी, क्या होगी आर की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस थीटा सी, मतलब मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू हुई वो होगी 90 माइनस थीटा सी। अब इस वैल्यू को हमने दे दिया फर्स्ट नंबर, और इसको हम पुट कर देते हैं इस वाली डेरिवेशन, तो ये हो गया हमारा साइन आई इज इक्वल टू नीटा वन अपॉन सफिक्स में है ये नीटा वन अपॉन नीटा नॉट साइन 90 माइनस थीटा सी। देखो साइन 90 माइनस थीटा सी क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा सी होता है हमारा ये चेंजिंग लाइन होती है 90 डिग्री, उसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा ये क्या वैल्यू चेंज हो जाती है और ये किस में हो जाएगी कॉस थीटा सी में। तो ये हो गया मेरा साइन आई इज इक्वल टू नीटा वन अपॉन नीटा नॉट कॉस थीटा सी, इसको दे दी हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको क्या निकालनी है कॉस थीटा सी की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ किस पर पॉइंट बी पे, यहाँ पे हम कर सकते हैं अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी भी बोल सकते हैं, और ये बोल सकते हैं हम कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर, कहाँ पर और कोर क्लैडिंग इंटरफेस, ये हमारा क्या हो गया कोर क्लैडिंग इंटरफेस, तो कौन सा इंटरफेस है मेरा यहाँ ये वाला पॉइंट हो गया मेरा बी। तो देखो इसमें हम वैल्यू क्या ले रहे हैं एंगल थीटा की वैल्यू ले रहे हैं थीटा सी, जब हम थीटा सी लेंगे तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, और क्रिटिकल एंगल पर हमारा जब वैल्यू कहाँ आएगी कोर क्लैडिंग पर रिफ्लेक्टेड रे कहाँ आएगी कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर, मतलब मेरी यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हम जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या होगा इंसिडेंट एंगल क्या हो गया मेरा साइन थीटा सी, इस वाले केस में इंसिडेंट एंगल अब साइन थीटा सी हो गया, और रिफ्रैक्टेड क्या हो गया मेरा ये, तो ये कौन सा है 90 डिग्री, पर हम इसको अभी साइन रिफ्रैक्टेड ही ले लेते हैं एक बार। तो साइन आर इज इक्वल टू अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम मेरे क्या नीटा टू, और फर्स्ट क्या मेरा नीटा वन, मतलब अब जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर की क्या है नीटा वन और क्लैडिंग की क्या है नीटा टू, तो इसमें लिखेंगे हम सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी मेरी नीटा टू अपॉन फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी नीटा वन। अब देखो साइन थीटा सी की वैल्यू क्या होगी मेरी, साइन थीटा सी की वैल्यू होगी मेरी नीटा टू अपॉन नीटा वन साइन आर, जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरा थीटा सी क्या है मेरा क्रिटिकल एंगल है, तो इसका मतलब मेरी आर की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। आर की वैल्यू कैसे होगी 90 डिग्री, मैंने बताया है कि जब हमारी लाइट डेंसर मीडियम से एंटर करती है रेयरर मीडियम में, और अगर थीटा की वैल्यू थीटा से क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो लाइट क्या होती है इंटरफेस से पास होती है, तो यहाँ से देखो इंटरफेस क्या है मेरा 90 डिग्री पर, तो इसलिए मेरी आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे लेना, मेरी 90 डिग्री जो मेरी आर होगी अब क्या होगी ये वाली होगी, क्योंकि अब मेरी लाइट रे क्या है इस इंटरफेस पर पास हो रही है, क्योंकि मेरी थीटा की वैल्यू क्या है थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल। तो इस वाले केस में जब ये हो गई तो मेरा साइन थीटा सी इज इक्वल टू नीटा टू अपॉन नीटा वन साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम ये कह सकते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू नीटा टू अपॉन नीटा वन इंटू 1। देखो अब साइन थीटा सी की हो गई, अब एक हमारी साइन आइडेंटिटी ट्रेंगुलर उसकी ट्रेंगल्स की एक आइडेंटिटीज होती है, और वो क्या होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो इससे हमारी कोस थीटा की वैल्यू होती है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम कोस थीटा सी की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। तो इससे हमारी हो गई कोस स्क्वायर थीटा सी इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा सी की वैल्यू क्या, ये रही नीटा 2 अपॉन नीटा 1, तो ये हो जाएगी अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस, क्या हो जाएगी ये 1 माइनस नीटा 2 अपॉन नीटा 1, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है। अब इसको जब हम बाहर निकालते हैं तो हमारा और क्या कर सकते हैं, हम नीटा 1 का स्क्वायर माइनस नीटा 2 का स्क्वायर रूट के अंदर अपोन में नीटा आ जाएगा, क्योंकि ये रूट नीटा 1 आ जाएगा क्योंकि ये हमारा क्या रूट से बाहर निकल आया, क्योंकि नीचे भी नीटा 1 स्क्वायर था, तो ये हमारा क्या हो गया नीटा 1 हो गया। अब इस वैल्यू को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करने वाले हैं हम, यहाँ, तो ये हो गया हमारा साइन आई इज इक्वल टू नीटा 1 अपॉन, ये सफिक्स में है, नीटा 1 अपॉन नीटा नॉट कॉस थीटा सी की वैल्यू हो गई अंडर रूट नीटा 1 का स्क्वायर माइनस नीटा 2 का स्क्वायर अपॉन नीटा 1। मैंने नीटा 1 को इसलिए बाहर निकाल लिया था, मुझे पता था कि यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ से क्या हो गया कैंसिल आउट। तो मेरी हो गया साइन आई इज इक्वल टू अंडर रूट नीटा 1 का स्क्वायर माइनस नीटा 2 का स्क्वायर अपॉन नीटा नॉट। नीटा नॉट क्या है मेरी 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होती है 1, तो नीटा नॉट इक्वल टू 1 क्योंकि ये एयर की है। तो मेरी एक तरह से साइन आई की वैल्यू हो गई अंडर रूट नीटा 1 का स्क्वायर माइनस नीटा 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमारे दो डेरिवेशन एक साथ ही सॉल्व हो रहे हैं कि एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर। तो ये जो मेरा होता है साइन आई की वैल्यू होती है मेरी न्यूमेरिकल अपर्चर, साइन आई मैक्सिमम की वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम एंगल होता है साइन आई का, तो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है मेरा आई मैक्सिमम इजिकल टू नीटा 1 का स्क्वायर माइनस नीटा 2 का स्क्वायर। और अगर इसी डेरिवेशन को, इसको दे दिया मैंने फोर्थ नंबर, इसी में अगर मैं आई मैक्सिमम की वैल्यू निकाल देता हूँ तो मेरी होगी आई मैक्सिमम इक्वल टू साइन का इनवर्स रूट ऑफ नीटा 1 का स्क्वायर माइनस नीटा 2 का स्क्वायर, ये होता है मेरा पूरा की पूरा एक्सेप्टेंस एंगल। क्या होता है मेरा एक्सेप्टेंस एंगल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी का हम रिमेनिंग हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।